दिल की हालत हम क्या करें कि हम घर का बिता हुआ घर का कहानी बताते हैं। ऐसा मोदिया का जैसा बच्चे लोग जमन जमन जाके देख के भूखा पड़ा हुआ मांगते हैं खाना, तो ये भी खाना कहता घर नहीं जाए देंगे, जमन लड़का शर्म के मारे नहीं आता खाने के लिए, क्या करें हमको तो तबाह होने लगता था, फांसी लग के मर जा। मोदिया के लाज में ये हो रहा था। जब एक गरीब परिवार की हाई लगती है तो अच्छे अच्छे को डुबा देती है। नमस्कार, मैं हूँ राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर और बयानबाजी, इस बयानबाजी के बीच एक खबर न्यूज पीआर के पास जो आई है वो दिल दहला देने वाली खबर है। एक महिला अपनी आपबीती सुनाने लगी, वो आपबीती लॉकडाउन के दरमियान है और महिला ने खुलकर कहा कि पीएम मोदी आपको हाई लगेगा, गरीबों को आपकी हस्ती मिट जाएगी। लालू राज में लालू खुद नंगे पांव आ जाते थे गरीबों से मिलने के लिए, लेकिन आप इतने घमंडी हैं कि लाचारी और बेबसी के सिवा कुछ नहीं मिला है। देखिए महिला क्या कुछ सुना रही है। ओ ऐसा कहर गिरेगा ने कि इसको पानी नहीं मिलेगा, जैसा गरीब हम लोग को कह रहा कहाँ कह रहा, रोजी का मारक हर चीज़ का मारक। हम लोग को जैसा भी मोदी लल्लू था तो हम लोग को बहुत सहारा दिए होता थे, आके लंगे पाँव आके हम लोग से मिलता था पूछता था। और अभी हम लोग के लिए खाने के लिए हम तुरुस्ता हो रहे हैं, चाय पीने के लिए हम लोग मोहताज हो रहे हैं, शर्म के मारे किसी से मुँह नहीं खोल रहे हैं। ऐसा मोदिया कर दिया है हम लोग को रोजी रोजगार पर, तो ऐसा हालत हो रहा था हम लोग को क्या पता। मैं आप रो रही हैं, दिल की हालत हम क्या करें कि हम घर का बिता हुआ घर का कहानी बताते हैं। ऐसा मोदिया कर दिया, सब बच्चे लोग जमन जमन जाके देख के भूखा पड़ा हुआ मांगते हैं खाना, तो ये भी खाना कहता घर नहीं जाए देंगे, जमन लड़का शर्म के मारे नहीं आता खाने के लिए। हम लोग के घर में ऐसा हालत कर दिया, तो बुरे हालत से हालत किरायादार मालिक मकान पैसे के लिए बेचैन कर रहा, क्या करें हमको तो तबाह होने लगता था, फांसी लग के मर जा। मोदिया के लाज में ये हो रहा था, फांसी लग के सब मर जाएगा बच्चा लेके, जे को सात गोदाम है तो कैसे जिएगा बताइए। लड़का लोग मांगबे करेगा दस पाँच, स्कूल का पैसा देना है कॉलेज हाफिज साहब का पैसा देना, कहाँ से देंगे हम लोग। मेरी औकात है अभी हम देने के पैसा, बच्चा लोग को पढ़ावेंगे ना लिखावेंगे कुछ नहीं, पेट में बोताइए ना रहा तो किराया कहाँ से देंगे एक रुपया। ऐसा हालत करके रख दिया है मोदिया हम लोग का। रो रहे हैं मोदिया के नाम पर रो रहे हैं, जैसा मोदिया कराए हुए ऐसा हम लोग रो रहे हैं, कहूँ कह रहे हैं तो नहीं फेरी करे जाते तो फेरी पे नहीं हम लोग का होता, एक कदम निकाल दिया फेरी का भी, जो जिंदगी में चंगेरी नहीं उठाया था मोदिया उठवा दी चंगेरी, तभी भी पेट नहीं पोसा रहा, तभी घर किराया नहीं दे रहे हैं। ऐसा कर दिया मोदी हम लोग को, बेहालत कर दिया मोदी हमको, मोदी ऐसा बेहालत करके हमको हम लोग को जिला दिया है। जमान मदाना घर में रोता घूमता है एक रुपया खाने के लिए इसके लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से महिला अपनी आपबीती सुना रही है और सुनाते सुनाते कैमरे के सामने ही महिला रोने लगी। महिला का साफ कहना है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, फेरी करती हूँ और इस बीच में मेरे सारे परिवार बेरोजगार हो चुके हैं, खाने को मोहताज हो चुकी हूँ मैं, अब किसके सहारे रह पाऊँगी। एक और महंगाई की मार और दूसरी ओर लॉकडाउन में बेरोजगारी, एक निवाला भी साहब नसीब नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में जाएं तो जाएं कहाँ और किसके पास अपनी हक के लिए लड़ें, ये सारी बातें महिला ने ऑन कैमरा कही है और न्यूज पीआर के कैमरे में ये तस्वीरें जो कैद हुई है और महिला बोलते बोलते रोने लगी। कम से कम उनको हक तो मिलना चाहिए, लॉकडाउन के दरमियान माना जाता है कि लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन गरीब गुरबों को आखिर देखने वाला कौन। इस स्थिति में महिला की लाचारी और बेबसी साफ देखने को मिली। अपने सहयोगी हीरालाल के साथ राजन कुमार, न्यूज़ पीआर पटना।